हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आई है जिसमें दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन डेट को जो है बढ़ा दी गई है। जो भी स्टूडेंट्स बच चुके हैं उनके लिए एक एडवांटेज हो गया है कि आप फिर से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि 16 से लेकर 18 तक कर दी गई है, ठीक है। तो वो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाता हूँ कि नीचे में आपको एक नोटिस है। दो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जिस स्टूडेंट्स का पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उसमें जिस भी स्टूडेंट्स को गलत हुआ वो आप कैसे सही करवा सकते हो, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस आई है कि रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो आप इस पर देखिए, दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज, जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा कि री ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज इज बीइंग री ओपेंड फ्रॉम 16/3/2020, ठीक है, 16/3/2020 टू 18/3/2020 लेट फाइन ऑफ ₹500 स्टूडेंट लेफ्ट शुड रजिस्टर्ड विद इन दिस पीरियड मेंशनड। जो भी स्टूडेंट्स जो है बच चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो आप 16 से लेके 18 मार्च के बीच में करवा सकते हो विथ लेट फाइन ₹500। अब बात कर लेता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स का जो है गलत हुआ है रजिस्ट्रेशन वो स्टूडेंट्स कैसे सही करवा सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन में गलती हो गया, किसी का फादर्स नेम गलत है, तो किसी का डेट ऑफ बर्थ और किसी का सिग्नेचर गलत है, या किसी का सब्जेक्ट ही चेंज है, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, एक जो है आप अपने कॉलेज में अप्लीकेशन लिख के दीजिए, ठीक है। एक कॉलेज को जो है आप अप्लीकेशन लिख के दीजिए और उसके बाद नीचे में आप कैद कर दीजिएगा थ्रू पाटलिपुत्रा एग्जाम कंट्रोलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है। थ्रू एग्जाम कंट्रोलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी टू द कॉलेज टू द प्रिंसिपल ऑफ बीडी, जो भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को आप लिख दीजिए और थ्रू में दे दीजिए एग्जाम कंट्रोलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है मेंशन, आप प्रॉब्लम को उस मेंशन कर दीजिए और उसके साथ आप जो भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो पिछले बार आप रजिस्ट्रेशन अगर करवा चुके हो तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसके साथ एक स्लिप, आपको जो भी एक स्लिप है आपको जो भी मिला है वो आप उसके साथ पिन कर दीजिए और कॉलेज में जमा कीजिए। हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो सही हो जाए और आप ये काम जो है 16/3/2020 से लेकर 18/3/2020 के अंदर में कीजिए। आप जाके कॉलेज में बात कीजिए और कॉलेज में आप जाके ये 16/3/2020 से 18/3/2020 के बीच में आप एक अप्लीकेशन लिखिए अप्लीकेशन प्रिंसिपल को और थ्रू द एग्जाम कंट्रोलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, और उसमें जो भी आप प्रॉब्लम है वो मेंशन करके आप जो भी आप प्रॉब्लम है पहले ईयर पहले जो हुई है रजिस्ट्रेशन उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है वो उसके साथ अटैच करके आप कॉलेज में जमा कर दीजिए। हो सकता है कि आपका सही हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।